गहना होता है, और इसे देखो ऐसी गिनती करवा रही है जैसे सुबह नाश्ते में कितने अंडे। साइली ने दिया रेणुका को करारा जवाब। रिया ने उड़ा दिए रेणुका और रोशनी के होश। सीरियल उड़ने की आशा है कि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे साइली घर का कोई काम कर रही होती है, जहां पर फरार बनाने का एक मशीन लेकर आती है रेणुका को दिखाने के लिए। बातचीत के दौरान रेणुका साइली को एक बार फिर नीचा दिखाते हुए कहती है कि ऐसी एक पुरानी जंग लगी हुई मशीन है जो तू चाहे तो अपने मायके भिजवा सकती है। तो साइली अपने सासू माँ रेणुका को देती है करारा जवाब ये कहकर कि मेरे घर ऑलरेडी है। आई के यहाँ भेज देना, थोड़ा जंग लगा है पर ठीक ही है, चल जाएगा। मेरी आई के बहुत बस ऐसा है, मेरा घर के बारे में जंग लग गया है तो उसे भंगार वाली को दी। वहीं अगले सीन में आप देखेंगे कि कैसे रेणुका घर की नई बहू रिया को सुहागरात से पहले भगवान के दर्शन करने वाले इस रस्म को समझा रही होती है, जहां पर वो खुलकर कुछ कह नहीं पाती। तभी साइली बताती है रिया को कि रेणुका सुहागरात की बात कर रही है। इस दौरान रिया एक ऐसा राज खोल देती है जो रेणुका और रोशनी के होश उड़ा देता है। रिया बता देती है कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है, एक बार नहीं 3-4 बार हो चुका है, इसमें नया और फर्स्ट टाइम जैसा कुछ है ही नहीं। ये सुनकर रेणुका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो उसका बेटा राम भगवान की तरह लगता है। सीरियल उड़ने की आशा ऐसे जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साइली आपका टेली चक्कर पर बहुत दिनों बाद। हाँ मैं खुद बोल रही हूँ बहुत दिन हुए आए नहीं आप। नहीं इनवाइट था वैसे। अच्छा मुझे ये जानना है कि साइली ऐसा क्या बोलती है रिया के कानों में कि रिया को बात समझ आ जाती है, और ये क्या टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है इस पर? टॉकिंग अबाउट सुहागरात एंड ऑब्वियसली रेणुका डायरेक्टली नहीं बोल सकती, तो मैंने फिर रिया के कान में कह दिया कि यार काकू इज टॉकिंग अबाउट सुहागरात एंड यहाँ पर एक रिचुअल जो फॉलो करते हैं, जो मेरी सुहागरात के पहले रोशनी के सुहागरात के पहले फॉलो कर रहे थे कि पूजा करनी पड़ती है और उसके बाद कुछ मुहूर्त देख के दे डू इट। सो इट्स वेरी हिलेरियस। देन रिया आंसर देती है तो पहली बार थोड़ी ना मेरा होगा, मेरा तो हो गया। मेरी सुहागरात तो हो गई एंड काकू का मुंह देखने लाया कि मैंने बोला रिया जो भी हो आर्ग्यूमेंट मत कर, जस्ट रेडी हो जा, जो काकू बोल रही है वो बस फॉलो कर और काका के सामने से गिनना मत हाउ मेनी। अच्छा पूरा सीन है, इट्स सो फनी, इट्स वेरी फनी, आई थिंक ऑडियंस आर गोना लव दिस। अच्छा ऐसे सीन्स में बतौर एक्ट्रेस नेहा खुद की हंसी को कैसे कंट्रोल करती है? अरे मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बट आई थिंक हम रिहर्सल में ही सब हंस के खत्म कर लेते हैं जितना होता है ना, वी डू 2-3 times रिहर्सल होने के सबका कोटा हंसने का पूरा हो जाए। आखिरी सवाल, चकली की मशीन जंग लग गई है तो भंगार वाले को दे दीजिए। साइली का ये जो अवतार है ये घर में कमबैक के बाद हुआ है कि एकदम ऑन स्ट्रेट मुंह पर बोलना? नहीं काकू को एक्चुअली कभी कभी मैं सुना तो देती हूँ, ऐसा नहीं है, लाइक व्हेन इट्स मैंडेटरी मैं जवाब उन्हें देती हूँ। हर बात पे मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करती, बट यार मेरी फैमिली पे बात आएगी, मेरी डिग्निटी पे बात आएगी, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी, मेरे काम पे बात आएगी, तो आई गिव हर बैक समटाइम्स। साइली बदतमीज नहीं है इसलिए वो हर बार नहीं जवाब देती, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ देती है। जैसे इस बार उसने कहा कि खराब वाली मशीन तो तेरी आई को देते, तो इट वेंट समवेयर ऑन स्टेटस ऑफ माय फैमिली मेरे मायके पे,
तो मैंने वो नहीं लिया और मैंने बोला कि हमारे घर पे भी है, अगर ज़्यादा आप बोलोगे तो भाई आई कैन गिव इट टू भंगार वाला प्लीज़। सो शी इज़ लाइक ओके। वेल, कैसा लग रहा है कि शो को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, स्पेशली योर एंड यू नो सचिन की जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया, बीच में जब आप दोनों की जोड़ी अलग हुई ऑडियंस भी थोड़ी नीचे हो गई, कैसा लगता है? आई थिंक नाउ सी द होल फैमिली, पूरा उड़ने की आशा का टीम इज टीम ही फैमिली है, तो अब किसी के भी साथ सीन हो ना हो तो थोड़ा बहुत हमें भी ऐसा फील होता है कि अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, ट्रैक ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कहाँ जा रहा है। जैसे काकू का अभी बीच में कभी काकू प्यार दे देती है तो साइली नेहा ऐसे साइली थोड़ी ऐसे हो जाती है, हैं ऐसे कैसे रंग बदल दिया। और जब हम पढ़ाई मतलब रीडिंग करते हैं सब, जब भी किसी का कैरेक्टर फ्लिप मारता है तो वो भी बड़ा फनी लगता है। बट ऑब्वियसली थोड़ा एक मिनट आई तो ख़राब तो लगता है कि ऑडियंस को जो चाहिए वो हम हमेशा नहीं प्रोवाइड कर पाते, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अप्स एंड डाउन इन साइली सचिन की लाइफ, तो वही होता है। एंड वी ट्राई कि जो आपको चाहिए, जो आपको देखना है, वो हम आपको सर्व करें। थैंक यू। थैंक यू।